टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंब्रा डॉक्टर फाउंडेशन की तरफ से आज दोपहर 2 बजे के करीब जमजम हॉल में मुंब्रा कौसा के सभी डॉक्टर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की हौसला बढ़ाने के साथ साथ मुख्य मकसद था मुंब्रा कौसा वासियों के लिए, जो लोग परेशान हैं डायबिटीज से, जो लोग परेशान हैं ब्लड प्रेशर से, जिनकी माली हालात खराब है, वो दवा नहीं खरीद सकते, उन्हें मुंब्रा डॉक्टर फाउंडेशन द्वारा दवा मुफ्त मुहैया कराया गया है। वो लाइफ टाइम दवा मुफ्त में ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना होगा। मुंब्रा कौसा फाउंडेशन की एक बड़ी कोशिश है यहाँ पर। साथ ही इस प्रोग्राम का मकसद था, जो डॉक्टर कोरोना महामारी में अपनी क्लिनिक बंद नहीं किए, कोरोना से जंग लड़ते रहे, उन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ पर जो है लोगों को बुलाया गया था, वो डॉक्टर को सम्मानित किया गया, यानी 120 डॉक्टरों को कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर भी पहुंचे, संघर्ष महिला अध्यक्ष रूता हवाट, फरीद नूरी, मुंब्रा डॉक्टर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ पोछी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर MN हाशमी, मुबेन शेख व फाउंडेशन के तमाम डॉक्टर सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। सुनिए डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और डॉक्टर्स एसोसिएशन मुंब्रा की तरफ से आज दो इन्होंने इनिशिएटिव को की शुरुआत की है, उसमें से एक है अल मदद, जिसमें ये लोग चाह रहे हैं कि जिन्हें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बीमारी है, उनकी पूरी तरीके से जांच करने के बाद उनको दवाइयां ये लोग मुहैया कराएंगे फ्री में। और क्योंकि ये जो दवाई है वो लाइफ लॉन्ग होती है, कि जब तक आप बंदा पेशेंट जिंदा है तब तक उसे लेनी है, और वो बहुत ज़्यादा चीप नहीं होती, तो आई एम श्योर ये लोग उसको एक बार नहीं तो बार बार जब तक उसे ज़रूरत है तब तक मरीज को वो दवाई देंगे। दूसरा है अर्बन डॉक्टर, अर्बन डॉक्टर के ज़रिए वो लोग डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अपॉइंटमेंट्स लेंगे, डॉक्टर पेशेंट को हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो उसके पास 2 महीने डेट्स नहीं होते और पेशेंट परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त इट इज़ रियली नेसेसरी कि बीच में ऐसा कोई बंदा हो जो पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलवाएं और उसकी हेल्प करें। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है, और ये चीज़ सिर्फ मुंब्रा के लिए नहीं है, तो दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट ऑल ओवर इंडिया, एंड मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मेडिकल लाइन लॉकडाउन के अंदर जब ऑक्सीजन के बॉटल्स की जहाँ पर ज़रूरत थी और लोग ऑक्सीजन के बगैर परेशान थे, और जो ऑक्सीजन डाउन हो रहा था उस वक्त हमने कम से कम 500 बोतल पूरे हिंदुस्तान में हमने भेजा, और कंसंट्रेशन मशीन जो होते हैं वो हमने चाइना से इंपोर्ट किया, और लगभग 100 मशीन हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब लोगों को, जमातों को, सबको भिजवाया, और जितना हो सका मरीजों को हमने हॉस्पिटलाइज थे उनको गरीबों के लिए अनाज मुहैया कराना, उनको जो रोज़ कमाते थे रोज खाते थे कोविड पीरियड के अंदर, उनको उनके ऐसे गरीब लोगों को हर किस्म का हमने ताउन दिया ताकि उनको कारोबार के अंदर लगा दिया जा सके। उसके बाद कोविड के अंदर जो बाहर निकले पेंडेमिक के अंदर, जो दो दो साल तक जो बेकार थे, जो रोज का कमाते थे रोज का खाते थे, उनको पाँव पे खड़ा करने के लिए काफ़ी मदद अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने दी है, और अभी ये काम जो है सिलसिला जारी है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग और मुंब्रा डॉक्टर्स फाउंडेशन के तरफ से अल मदद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यहां पर मुंब्रा कौसा के आवाम के लिए ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स और एस्पिरिंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हर महीने की पहली और तीसरी जुमा को किया जाएगा दोपहर 3 बजे 200 हॉस्पिटल में। इसमें जो पेशेंट्स आएंगे उनको अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उसके साथ में उनका कोई भी एक फ़ोटो आईडी उसके लिए लाना पड़ेगा। ये दवाइयाँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और मुंब्रा डॉक्टर्स फाउंडेशन दोनों को मिलकर ये दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा।
इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्हें कैटरक की बीमारी मोतियाबिंदु है उसका भी ऑपरेशन हम लोग इसी मदद इसी अल मदद के अंडर में करेंगे। इसका जो चार्जेस बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत बड़े बड़े चार्जेस होते हैं, लेकिन हमने ये तय किया है कि ये हम 6000 रुपये में करेंगे विथ मेडिसिन विथ लेंस, इसमें इंडियन लेंस डाला जाएगा। इसमें पेशेंट के पास से हम लोग 3000 रुपये लेंगे और 3000 रुपये हम खुद डालेंगे, यानी ये मुंबई डॉक्टर्स फाउंडेशन और ऑल इंडिया मेमा जमेंट फेडरेशन ये दोनों मिलके इसमें ताउन करके ये खिदमत हम पेश करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा जो अल मदद फाउंडेशन है जो जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ कोची साहब और मैं जनरल सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन डॉक्टर शेख अहमद साहब, हमारा मकसद ये था कि हम लोग मुंब्रा में जनरल प्रैक्टिस करते हैं और जो यहाँ की पब्लिक है उसकी जो माली हालत है वो हम लोगों को मालूम होता है एज ए फैमिली डॉक्टर होते हुए। तो जो लोग आप इस मेडिसिन को या जिनकी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की डायबिटीज़ की मुस्तकिल तौर से चलना होता है, जो होल लाइफ उनको लेना होता है, वो नहीं खरीद पाते हैं, उसके लिए हमने ये हाथ बढ़ाया है कि उनको अल मदद की तरफ से मदद किया जाएगा और जब तक वो हयात में रहेंगे उनको अल मदद की तरफ से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती जाती रहेगी।